देवघर एम्स के पंचायत प्रशिक्षण केंद्र सभागार में 2019 एकेडमिक सत्र की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना एम्स के डायरेक्टर पीके सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पहले सत्र के 50 सीटों के लिए पढ़ाई शुरू की जाएगी। देश भर एम्स की ओपीडी निर्माण के पहले टेम्परेरी स्तर पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें देश के 48 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है, जबकि देवघर एम्स में 50 सीटें हैं, 48 छात्रों का एडमिशन हो चुका है। इस मौके पर डायरेक्टर ने बताया कि जब तक बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई कराई जाएगी। झारखंड के अन्य 3 एम्स में भी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। वर्षों से इच्छा थी, है ना, देश की राज्य की इच्छा थी, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि एम्स प्रारंभ हो रहा है, इसका नया कैंपस बन गया है और बनना स्टार्ट हो गया उसका निर्माण का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि टेम्पोरली यहाँ पर शिफ्ट है, लेकिन ये जल्द अपने कैंपस में शिफ्ट होगा और मिनी भारत और प्रतिभावान छात्र यहाँ पर पढ़ेंगे और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी। और यहाँ चिकित्सकीय सुविधाओं का घोर अभाव था, पूरे संथाल परगना में एक भी मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं था। तो ये यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स जैसे संस्थान जब पूरी तरह से फंक्शनल होंगे तो ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय बेहतर चिकित्सा का सुविधा यहाँ के लोगों को। पहला बैच का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम बैच आता है तो उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया था, उसी के तहत एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और आज से हमारा एकेडमिक सेशन इस बैच का शुरू हुआ है। कितने स्टूडेंट यहाँ पे अभी? 50 का बैच होता है जिसमें 48 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इस बार कि एजुकेशन में अभी बहुत कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, अभी तो शुरुआत है और धीरे जल्दी हम जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। फैकल्टी मेंबर्स हैं, पढ़ान शिक्षक हमारे पास पहले से ही हैं और जो शैक्षणिक उसमें हमें नहीं लगता कि चाहे हम पुरानी बिल्डिंग में रहें या नई बिल्डिंग में रहें उसकी एजुकेशन सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ेगा।